देश का ये लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे, अपने घर तक सीमित रह जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी झोला लेकर 14 में आए थे, 24 में जा रहे हैं। हमें लगता है कि मोदी के झोले लेके कहते हैं वो अपने आश्रम योगी बाबा चले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौनपुर आए तो उन्होंने साफ साफ इंडिकेशन दिया कि 4 जून के नतीजे आने के बाद दिल्ली के शहजादे राहुल गांधी और लखनऊ के शहजादे अखिलेश यादव छुट्टियाँ मनाने विदेश चले जाएंगे। उनके इस बयान पे, उस कथन पर यहाँ की जौनपुर की जनता क्या सोचती है, बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? श्री शंकर साहू। मोदी ने जो बयान दिया है कि दोनों शहजादे विदेश चले जाएंगे छुट्टियाँ मनाने, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, विदेश का ये लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे, अपने घर तक सीमित रह जाएंगे और ये लोगों की जमानत जब्त हो जाएंगी। इनको कोई वोट देने वाला नहीं है, जो राम को लाए हैं उन्हीं को हम लोग वोट देंगे, उन्हीं को ही ले आएंगे। और जो हत्यारों को हम लोग कभी वोट दे ही नहीं सकते हैं, और जो राम का सच्चा भक्त है वो कभी नहीं ऐसे लोगों का जो देगा जो हत्यारों का, जो हत्या राम भक्त का हत्या किया उसको किसी वोट नहीं देना, और देना भी नहीं चाहिए। जो सच्चा देशभक्त है, राम भक्त है, उसको ऐसे लोगों को वोट देना भी नहीं चाहिए। आप बताएं, आप क्या सोचें गृहिणी के तौर पर 4 जून को जो नतीजे आएंगे, क्या दोनों शहजादे छुट्टी मनाने विदेश चले जाएंगे? इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ यही कह सकते हैं मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। 4 जून के नतीजे आएंगे इस तरह के कि इंडिया गठबंधन आएगा? आएगा, श्योर आएगा कि मोदी पार हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, 400 पार होना उनका पक्का है, बिल्कुल पक्का है मोदी का। और भी कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जो बयान नरेंद्र मोदी ने दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, मोदी जी का साफ कहना है कि दोनों शहजादे, दिल्ली वाले भी लखनऊ वाले भी, विदेश चले आएंगे छुट्टियां मनाने के बाद जब नतीजे आएंगे 4 जून को, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोगों को आशा और उम्मीद थी कि हमारे जनपद में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह कुछ अपने कामों को बताएंगे, जनपद जौनपुर का नाम लेंगे, जनपद जौनपुर जो विकास कार्य है उसको बताएंगे, लेकिन वो लगातार अयोध्या और काशी की बात कर रहे थे। आप जनपद जौनपुर में आकर अयोध्या काशी की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं था तो कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी जो मेडिकल कॉलेज बनवाते उसी के बारे में बोल दिए होते। नहीं, उन्होंने कहा है कि नतीजे जब आएंगे तो दोनों शहजादे दिल्ली वाले लखनऊ वाले विदेश चले आएंगे छुट्टियां मनाने, उस पर क्या कहेंगे? अरे वो तो ये भी कह रहे थे दमदार सरकार के, लगातार चीन प्रतिदिन कब्जा करता जा रहा है, वो उनको नहीं दिख रहा है। और रही बात, और आप जो बात कर रहे हैं शहजादे की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो बातें बोल रहे थे लगातार, वो हताशे की बातें बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की बातों से उनके सीधा हार उनको दिख रही थी, और उनको ये पता नहीं, आप बताइए, गालियां की बात कर रहे थे, उनको तो हम लोग उम्मीद किए थे स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, वो बताएंगे कि हम अपने अब तक कितना स्मार्ट सिटी गिनाने की बात करेंगे, लेकिन वो गालियां गिना रहे थे। वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। अरे वो हम तो उनसे जानना चाहते हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो उत्तर भारत, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को जो गाली देते हैं मन से राज ठाकरे जो मुंबई में उनके साथ गठबंधन में है, आप उनसे गठबंधन किए हुए हैं और आप इस तरह की बातें करते हो? 4 जून को दोनों शहजादे छुट्टी मनाने जा रहे हैं विदेश? 4 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी झोला लेकर 14 में आए थे, 24 में जा रहे हैं, वो सारी बातें कह दे रहे हैं, उनको पता है को जा रहे हैं, उनकी हताशा उनकी बातें उससे ये क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 4 जून को जा रही है, इंडिया गठबंधन आ रही है। और जिस शहजादे की बात कर रहे हैं वही लोग देश के इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएंगे, वही लोग देश को आगे विकास की बात करेंगे, देश का विकास करेंगे। 4 जून के बारे में और लोगों से बात करते हैं कि 4 जून को एक्चुअली होना क्या है, आप बताएं कि 4 जून को नतीजे आने के बाद क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव छुट्टियां मनाने विदेश चले जाएंगे, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है? अब जो भी होगा अब सामने होगा, अब इसके बारे में 100% तो नहीं है, अब जो भी होगा सामने देखा जाएगा। अब इसके बारे में लगता है कि 4 जून को चले जाएंगे छुट्टियां मनाने के लिए? हो सकता हो चले जाए, हो सकता हो कि नहीं जाए, ये भी तो है, ये कथनीय अतुलनीय तो है नहीं सही, अब सामने आने के बाद पता चलेगा क्या करते हैं लोग, इंडिया गठबंधन क्या करती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, अब जो करना वो सामने है। इसके बाद अब फीडबैक किसका क्या है सबके सामने है, हर एक आदमी, हर जनता जानती है किसका फीडबैक कैसा क्या क्या है, सभी लोग के सामने प्रदर्शित है। और भी कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे, क्या 4 जून को अखिलेश यादव और राहुल गांधी नतीजे आने के बाद छुट्टी मनाने विदेश चले जाएंगे? हमें लगता है कि मोदी के झोले लेके कहते हैं वो अपने आश्रम योगी बाबा चले जाएं। नहीं, जैसे कि पीएम मोदी ने कहा है कि जो नतीजे आने वाले हैं वो एकदम ऐसे आएंगे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव बुरी तरह से मात खाएंगे और इनको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा।
हमें लगता है जो जैसे आज देखिए मोदी जी आए थे यहाँ पर जौनपुर में देखिए थे, कभी मोदी के आने के बाद कुल कॉलेजों और छुट्टियाँ होगी, बच्चे कितने परेशान हुए होंगे, एक दिन के लिए उनके आने के लिए छुट्टी हो गई, तो यह क्या मोदी का धर्म बनता है बच्चों को रोक दिया जाए एक दिन के लिए? हम मोदी सवाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया है, कोई कहता है कि पीएम मोदी हार जाएंगे, वो झोला उठा के चले जाएंगे, कोई कहता है कि मोदी भगवान हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को किसी भी कीमत पर वोट नहीं दिया जाना चाहिए। जौनपुर से जावेद अहमद, एबीपी न्यूज़ के लिए।